हाँ रात शाम को की नौकरी दी जाए एवं मंदिर की भूमियों को भू माफियाओं से मुक्त कराकर पुजारी के परिवार को सौंपी जावे। उक्त घटना से पूरे देश के सनातन एवं हिंदू धर्म के अनुयायियों में गंभीर आक्रोश है। अगर हमारे देश में ही सनातन संस्कृति के वाहक मंदिर के पुजारी सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान के अंदर वैष्णव बैरागी पुजारी को आताताइयों ने भूमि पर कब्जा किया और उसको जिंदा जला दिया। हमारे देश में हमारी व्यवस्था में मरने के बाद जलाने की और दफनाने की रस्म है, लेकिन देश में बाहुबली और दुष्टों का इतना आतंक बढ़ गया है कि 5 बीघा जमीन और झोपड़ी में रह के अपने गुजर बसर करने वाले पुजारी की जमीन पे भी गिद्ध दृष्टि इन लोगों की रहती है और इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग ज्ञापन दे दे के थक गए। गरीबों की जमीन पे कब्जा करना इन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, राजस्थान सरकार से और पूरे देश की सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि कब तक संतों पे पुजारियों पे जुल्म होगा। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वो प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की बात करने वाला पुजारी, हम अपने कल्याण की तो हमने बात ही नहीं करी हजारों साल से। सबके भले में हमारा भला, संसार को जो दिया गया उसे हम भिक्षा मांग के हमारे लोग खा रहे हैं और उनकी चीजों पर, उनकी जमीनों पर गिद्ध दृष्टि लगी है। इसलिए ये कब जाकर ये व्यवस्था रुकेगी, इसलिए महामहिम महोदय के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। पंडित जी, धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा मामला पहली बार हुआ, इसके पहले भी आपकी बोले जाए सरकारी जमीन पर कब्जा रहता है और ऐसे घटना देखने को मिलती है। जब भी इस प्रकार की घटना सामने आती है, हम हमारे संगठन अखिल भारतीय पुजारी संघ, मध्य भारत पुजारी पुरोहित महासंघ सभी के माध्यम से हम धरना प्रदर्शन ज्ञापन देके, क्योंकि हम तो शांतिप्रिय लोग हैं, हमारे पास कोई जन बल, धन बल, बाहुबल तो है नहीं जो हम उसका उपयोग करें। हम तो निवेदन करने वाले और हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपके सामने है कि कल 24 घंटे उसकी राख सूखी भी नहीं थी कि एक पुजारी को फिर गोली मार दी, एक आदमी फिर डूबता हुआ पाया गया साधु उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, आपको सब मालूम है। हम करें तो करें क्या, बस ज्ञापन देना दे सकते हैं, मौन धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास है क्या? और कानून को हम हाथ में लेते नहीं है, कभी नहीं लिया है। ठीक, आपका नाम? पंडित गोपाल कृष्ण जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संत पुजारी संघ।